status of turtles in Pakistan. Before going into the detail of the status, we must know that why the turtles are important. So, this way, if we talk about this, now we are come into the knowledge that what is the role the turtles they are playing into the environment? How they are interacting with the environment? क्या चीज़ें वो हमारे लिए परफॉर्म कर रहे हैं क्या चीज़ें वो इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं ये अब शायद साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं प्रॉपरली सो so, इस रेफरेंस से देर आर सडन एग्जाम्पल्स के इकोलॉजिकली इकनॉमिकली वाई दे आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि समटाइम्स ये हमें इकनॉमिक बेनिफिट्स दे रहे हैं डायरेक्ट नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली समटाइम्स डायरेक्टली भी और समटाइम्स ये इन्वायरमेंट में इतने ज़्यादा पार्ट प्ले कर रहे हैं कि विदाउट इवन नोटिस दे आर डूइंग लॉट So, इस रेफरेंस से द वेरी फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट विच दे आर गिविंग टू अस इज़ द न्यूट्रियट रीसाइकिलिंग बिकॉज समटाइम्स जब जो न्यूट्रियट्स हैं अगर वो किसी एक सेटअप में रह जाएँ लाइक अगर वो मरीन एनवायरनमेंट में है तो वो फ्रेश में नहीं आएंगे अगर वो फ्रेश में है तो मरीन में नहीं ट्रांसफर हो रहे देर देर मे बी अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सो ये जो टर्टल्स हैं कुछ खास स्पीशीज़ हैं जो जब एक एनवायरनमेंट से दूसरी वाटर बॉडीज़ में शिफ्ट होते हैं ये उन न्यूट्रिएंट्स को वहाँ से मूव uh, करते हैं दूसरी इन्वायरमेंट में एंड एज ए रिजल्ट जो न्यूट्रिएंट्स पहले स्टेगनेंट हो गए थे स्टॉप हो गए थे वो न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते हैं और uh, जो इन्वायरमेंट है डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट आती है सो बाई डिपॉजिटिंग देयर एग्स ऑन द शोर सी टर्टल्स ट्रांसपोर्ट वाइटल न्यूट्रीट्स फ्राम द ओशन टू द न्यूट्रीट पुअर कोस्टल एंड इंशोर हैबिटेट्स अगेन एक्चुअली दे दे आर डूइंग दे रूटीन एक्टिविटीज वो अपने अंडों को रूटीन में डिपॉजिट कर रहे हैं मगर इनडायरेक्टली दे आर गिविंग अस और दे आर दे आर मूविंग द न्यूट्रिय फ्रामेंट टू दिन एनवायरमेंट बाई डूइंग द रूटीन एक्टिविटी ऑफ डिपॉजिटिंग देअर एग्ज फॉर हैचिंग सो ये एक रूटीन एक्टिविटी है जिससे इन्वायरमेंट में uh, जो न्यूट्रियट्स हैं उनकी रिसाइकिलिंग परफॉर्म हो रही है इनफैक्ट सी टर्टल्स आर द ओनली

वेरियस फ्लोटिंग एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होती हैं वो तमाम की तमाम कोरल रीव्स की वजह से होती हैं पहाड़ नज़र आ रहे हैं पानी के अंदर वो तमाम की तमाम कोरल रीव्स हैं सो so, ये जो टर्टल्स हैं ये उन उस सिस्टम को भी मेंटेन कर रहे हैं एंड हाउ दे आर डूइंग अ पर्टिकुलर टर्टल टाइप इज़ हॉक्स बिल्ड टर्टल विच फीड ऑन स्पॉजेज एंड कोरल्स दे आर बिलीव टू प्ले अ मेजर रोल इन मेनटेनिंग द हेल्थ एंड डाइवर्सिटी ऑफ कोरल रीव सिस्टम अगेन इट इज़ दी रीसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ये उन उन केमिकल्स uh, को उन न्यूट्रिएंट्स को जो उन रीव्स के साथ अटैच हैं उनको मूव कर रहे हैं या उनको उनको रीसाइकिल कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी ब्यूटिफिकेशन में उनकी मेंटेनेंस में uh, इजाफा हो रहा है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल इज द प्रिडेटर प्रेस साइकिल ये जो साइकिल है या ये जो प्रिडेशन का अमल है ये हमें हर तरह के एनिमल्स में नज़र आता है सो so, इस रेफरेंस से अगर हम बात करें पैसिफिक्स में द कोलेप्स ऑफ लेदर बैक टर्टल पॉपुलेशन इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लोजन इन जेलिफिश पॉपुलेशन नाउ वट इज़ हैपनिंग मतलब दिस इज अ जर्नल रूल कि अगर एक, एक चीज को खाने खाने के लिए कोई उसका प्रिडेटर है ही नहीं है तो उसकी जो अमाउंट है जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हो जाएगी अब यही चीज़ यहाँ पर है कि खास एग्जाम्पल के हवाले से अगर मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊँ कि एक एक पर्टिकुलर जेलीफ़िश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड कर गई बहुत ज़्यादा ओवर 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 पॉपुलेट हो गया वो एरिया क्यों क्योंकि उसका जो नेचुरल ओरिजिनल प्रिडेटर है यानी जो खास टर्टल है वो वहाँ पे किसी वजह से नहीं है उसकी पॉपुलेशन वहाँ पे कम हो गई है उसका नंबर कम हो गया कोई भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से वो जेली फिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई है और जब वो उस जेलीफ़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी तो उसकी वजह से समटाइम्स पॉइजनिंग uh, उस वाटर के अंदर क्रिएट होती है और जो जो वहाँ पे नेचुरल फिश होगी उसमें वो इनडायरेक्टली uh, वो वो पॉइजन ट्रांसफर होता है और वो जो फिशिंग का फिनोमिनन है फ़िश कैप्चरिंग का फिनोमिनन है जो डेफिनेटली वहाँ से इकनॉमिक गेंस आ रहे हैं फ़िशिंग के हवाले से वो वहाँ से नहीं आएंगे और आपको इकनॉमिक uh, लॉसेज होंगे जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की थी दैट दे आर गिविंग अस इकनॉमिक बेनिफिट्स एज वेल सो इनडायरेक्टली दे आर नॉट गिविंग बट सॉरी डायरेक्टली दे आर नॉट गिविंग बट इन डायरेक्टली आर गिविंग द इकनॉमिक बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ दिस पटिकुलर एग्जाम्पल जहां पर फिशिंग के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं सो वट इज दस ऑल द मेरी टर्टल्स दे आर इंक्लूडेड इन अपडिक्स एक्सेप्ट सी एम एस वजह क्या है इनको क्यों इस तरह के स्टेटस दिए जा रहे हैं क्योंकि इनकी इीगल ट्रेडिंग हो रही है इनके सॉफ्ट पार्ट्स की वजह से इनके एग्स की वजह से और जो इनकी वेरियस कॉम्पोनेंट्स हैं उनकी ट्रेडिंग हो रही है मेडिसन की वजह से क्योंकि मेडिसिन में भी यूज हो रहे हैं सो so, इस हवाले से इनको जो इंटरनेशनल कंजर्वेशन एजेंसीज हैं उन्होंने खास तौर पे इलिस्ट किया हुआ है अपनी अपनी पर्टिकुलर अपेंडिस में ताकि इनको प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन प्रोवाइड की जा सके सो द मेजर थ्रेड्स रिगार्डिंग दीज टर्टल्स इन पाकिस्तान दे आर द कमर्शल हारवेस्ट फॉर द एग एंड मीट जिस तरह भी हमने बात की इनके अंडों के लिए इनके गोश्त के लिए इनको हम कैप्चर uh, करते हैं एंड लॉस और डिग्रेडेशन ऑफ नेस्टिंग हैबिटेट्स फ्राम द कोस्टल डिवेलपमेंट हमने बहुत ज़्यादा आर्मरिंग की हुई है बीचज की uh, बी, बीचिंग बीच आर्मरिंग मीन्स डैट वी एक्चुअली मेड सर्टन बाउंड्रीज हमने बीचज को बाउंड्रीज बना के सेपरेट आउट किया हुआ है ताकि डोमेस्टिक एरिया से जो पानी है वो अंदर तक ना आ सके जिसकी वजह से इन टर्टल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान में इन खास टर्टल की स्पीशीज़ को बीच आर्मरिंग डिसोरिएंटेशन ऑफ द हैचलिंग्स बाय बीच फ्रंट लाइटिंग हम जो एग्स हैं उन्होंने पर्टिकुलर तरीके से इंक्यूबेट होना है पर्टिकुलर टाइम पीरियड चाहिए पर्टिकुलर ओरिएंटेशन चाहिए जब वो मूवमेंट होती है बहुत ज़्यादा बीचेस के ऊपर तो वो भी डिसोरिएंट होंगे और उनको जो ख़ास टेम्परेचर चाहिए एक एक डार्कनेस एक चाहिए होती है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाती और जो एग्स हैं वो डिस्टॉर्ट होते हैं एक्सेसिव नेस्ट प्रशन डिग्रेडेशन ऑफ फॉरजिंग हैबिटेट मरीन पोल्यूशन डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा जो पानी है उसके अंदर पोलूशन क्रिएट कर रहे हैं अपने जितने भी फैक्ट्रीज़ का वेस्ट है या इवन जो समटाइम ऑयल स्पिल हो जाता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोलूशन आ जाती है और इन इन एनिमल्स को थ्रेट्स uh, का सामना करना पड़ता है वाटरक्राफ्ट स्ट्राइक्स डेफिनेटली दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इंसिडेंटल टेक फ्रॉम द चैनल डिग्रेडिंग एंड कमर्शियल फ़िशिंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द कमर्शियल फ़िशिंग ऑपरेशन दे जस्ट कैप्चर्ड इन टू द नेट जस्ट बाई चांस दिस इज़ बाई कैचिंग सो ये भी एक फ्रामन हो सकता है इनको uh, इन, इन, इनके लिए थ्रेट्स का सो so, पाकिस्तान uh, में हमें इन एक्टिविटीज़ को अगर हम थोड़ा सा अवॉइड करें तो इन एनिमल्स को इनके इनका जो थ्रेट का स्टेटस है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है